उत्तर प्रदेश के तराई के जिलों में जंगली जानवरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक ग्रामीण भेड़िया और सियार के डर के साए में थे, लेकिन अब जंगल से निकलकर बाघ ने भी हमला शुरू कर दिया है। ताजा मामला हैदराबाद थाना क्षेत्र के महेशपुर रेंज की बिलहट्टी बीट गांव मूड़ा अस्सी का है, जहां खेत पर काम करने गए किसान जाकिर को बाघ ने अपना निवाला बना डाला। घटना की जानकारी होते ही मृतक के परिजन और ग्रामीणों में रोष देखा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने गोला सिकंदराबाद मार्ग को जाम करने के बाद प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जाम की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर वन क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी कई थानों के पुलिस के साथ जाम हटाने में जुटे। मृतक के परिजन गोला सिकंदराबाद रोड पर मृतक का शव रख कर प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम आश्वासनों का भी ग्रामीणों पर कोई असर नहीं पड़ा। राजकीय सहायता के साथ भविष्य में ऐसी अनहोनी न हो, इसके लिए ग्रामीण बड़े अधिकारियों का आश्वासन चाहते थे। वन विभाग के अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि उनकी टीम हर हाल में उनकी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। गन्ने की खेती की वजह से बाघ को पकड़ने में दिक्कत आ रही है। बहरहाल जैसे तैसे अधिकारियों ने जाम तो खुलवा लिया, लेकिन ग्रामीणों में बाघ को लेकर दहशत बरकरार है। स्ट्रीट वर्स के लिए कमल त्रिवेदी की रिपोर्ट। स्त्री मीटिंग जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुक्रम में लगातार वन विभाग कॉम्बिंग करके बाघ को पकड़ने के प्रयास में कार्य कर रही है, लेकिन अपना जनता का आक्रोश है क्योंकि बाघ अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उस क्रम में अभी कार्य जारी है, जनता को समझाया बुझाया जा रहा है। उन्होंने डेड बॉडी सड़क के बीच में रख दी है, उनकी कुछ बातें हैं, अभी हम बातें सुनकर समस्या का निस्तारण कराने के लिए। 14 दिन हो गए हैं उसके घटना के और आज फिर एक घटना हो गई है, इसके बीच में ट्रंकलाइज करने के लिए आदेश दिए गए थे, तो क्या खाना पूर्ति कर रहा है वन विभाग? खाना पूर्ति नहीं कह सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, किसी भी निर्देश को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। और लगातार वन विभाग कार्य कर रहा है, हमारा प्रशासन कार्य कर रहा है। क्या गन्ने थोड़े बड़े हो गए हैं क्योंकि जंगल से निकल कर वो गन्ने के खेतों में आ गया है, ड्रोन से भी वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। और ट्रैंकलाइज करने की हमारी टीम भी यहाँ पर लगातार कार्य कर रही है। एक दुर्भाग्यपूर्ण है घटना कि अभी तक बाघ पकड़ा नहीं गया है, सफलता हमें जल्दी मिल जाएगी। हम लोगों से यही चाहेंगे कि कृपया करके बॉडी यहाँ न रखें, सब को उसका अंतिम संस्कार के लिए पोस्टमार्टम के लिए जाने दें यहाँ से। हम अगली कार्रवाई करेंगे और आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द हम बाघ को हमारे घर। जैसा कि पहले कहा गया था कि पिंजरे को लेकर जो है, पिंजरा पहले खुला नहीं था और खुला तो फिर बंद नहीं हुआ, तो इसका जो अंदर जो पिंजरे लगे हैं क्या वैसे ही कंडीशन में है या ऐसा नहीं है? वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, मतलब चेक करने के दौरान उसको पहले ट्रायल किया जाता है, उसके गेट खोल के कि कैसे वो जाएगा कैसे पहुँचेगा। उस दौरान उसका गेट बंद हो गया था, थोड़ी देर खुलने में समस्या थी, लेकिन फिर वो सही कर लिया गया। वर्तमान में सभी पिंजरे कार्यरत हैं और वन विभाग से मेरी लगातार वार्ता भी हो रही है, उच्च अधिकारियों से वार्ता हो रही है, कार्य हमारी टीमें लगातार कर रही है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी इसमें। कोई सब दो घटनाएं हो चुकी हैं और बाघ लगातार अभी भी वन विभाग की गिरफ्त में रह गया है, आखिर क्या आगे की घटनाएं हो सकती हैं? घटनाएं अगर बाघ गिरफ्त में नहीं आता, निश्चित रूप से वो जंगली जानवर है क्योंकि आदमखोर है, तो घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम प्रयास करेंगे घटनाओं को न्यूनतम करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको पकड़ कर हम घटनाएँ अभी होंगी, हमारा प्रयास यही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ये घटना